गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज मैं आप सबके साथ एक सनस्क्रीन की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैं आज करने वाली हूँ बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस सन्स प्रोटेक्टर विथ SPF 30+ विथ UVA UVE। मैं आज इसकी रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में जाने से पहले जो मैं हमेशा की तरह बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस, जो जो आप देख रहे हो मेरी वीडियोस, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और पूरी वीडियो को देखो, स्किप मत किया करो, क्योंकि वॉच टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कॉमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है, क्या खामियाँ हैं, मुझे सजेशन देना, क्योंकि आपकी सजेशन की मैं वेट कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है बायोटिक की बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस सनस्क्रीन विद SPF 30+ विद UVA UVB। तो ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, आप देख सकते हो, ये देखो। और इसकी जो मेन पैकेजिंग है ये वाली बॉटल है, ये प्लास्टिक की बॉटल है। और तो आपको इसमें मैन्युफैक्चर डेट और सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि 3 ईयर्स है इसकी शेल्फ लाइफ। और ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है और इसमें स्टेप्स भी लिखी गई है कि कैसी आपको करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट आपको क्लेंसर यूज़ करनी चाहिए मॉर्निंग में और फिर आपको रिप्लेनिश करनी चाहिए, लाइक मॉइस्चराइज़र और सीरम। अगर आप घर पर हो तो आप सीरम और फिर मॉइस्चराइज़र लगा लो, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप सीरम स्किप कर सकते हो और मॉइस्चराइजर लगाकर फिर उसके बाद सनस्क्रीन और देन आपकी जो रेगुलर मेकअप है वो आप कर सकते हो। तो ये जो सनस्क्रीन है ये SPF 30 है, ये बहुत माइल्ड सा एक सनस्क्रीन है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी वाली फ्रेग्रेंस है। मैं इसे और ये लिक्विड एकदम लिक्विड फॉर्म में है, ये आप देखो ऐसी इस तरह की, ये देखो एकदम लिक्विड, ये टेक्स्चर आप देखो एकदम लिक्विड सी टेक्स्चर है। और जो जो हाउसवाइफ हो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो हम जब हम घर पर रहते हैं तब भी हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी समर पूरी तरह से आ गई है और टेम्परेचर इतनी बढ़ गई है कि बोलो मत। देखो ना, मैं भी पसीना पसीना हो रही हूँ। तो आपको ज़रूर घर पर भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुकिंग करते हैं और उसमें हमारी जो पीएच बैलेंस है स्किन की वो घटती रहती है और पिगमेंटेशन आ जाती है, ब्लैक पैच आ जाती है। तो अगर आप वो ना चाहो तो आप ज़रूर इसे एक बार मॉर्निंग में यूज़ कर लेना और फिर आप जो जो आपकी हाउस होल्ड काम है वो करते रहना। तो ये एक डेली बेसिस पर की जाने वाली सनस्क्रीन है जो कि बहुत अच्छी है और आपको इससे स्वेटिंग नहीं होती है। मेरी स्किन है ड्राई टू, मेरी जो टी जोन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ है, सेंसिटिव है, तो मुझे बिल्कुल भी इससे चिपचिपा नहीं लगती है देने के बाद, मुझे स्वेटिंग नहीं आती है और ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पर। और ये आपको कैसे यूज़ करनी है वो उसका डेमो भी मैं दे दूँगी, इंक्लूड कर दूँगी वो क्लिप्स, आप वो ज़रूर देख लेना। और प्लीज़ मॉर्निंग में उठकर जो जो आप फेस जो जो करते हो फेस वॉश मॉइस्चराइजेशन, उसके बाद ज़रूर सनस्क्रीन अप्लाई करना, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करना। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है तब आपको मैट फिनिश ही सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन मेरी स्किन कैसी है मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई टू कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन है, क्योंकि मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है। अभी भी देखो मैं कैसे क्रीज कर रही हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन है टी जोन पर। तो मुझे भी ये एकदम सूट होती है, तो और मुझे ये बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि इसमें एक मेकअप जैसा हल्का सा फिनिश आ जाती है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करना और मुझे बताना कि कैसे लगे, कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर मुझे बताना। अभी सुबह का टाइम है और मैं अपने फेस वॉश कर लिया है और टोनिंग भी कर लिया है और मॉइस्चराइजेशन मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी ये अप्लाई करनी है, इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। तो इसमें ही मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टी भी है, तो इसके लिए मुझे अलग से और कोई मॉइस्चराइजेशन सुबह नहीं करनी पड़ती है। तो ये देखो, चलो इसका डेमो शुरू करते हैं। ये बहुत लिक्विडिफाई है, बहुत लिक्विड कंसिस्टेंसी है इसकी। ये देखो एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी है,
मेरी डार्क सर्कल पर भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और नेक एरिया में भी। सनस्क्रीन को हमें ज्यादा घिसना नहीं है, उसे बस ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर देना है, एक लेप दे देनी है अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि इसका काम ही तो शील्ड का है ना, तो एक शील्ड बना देना है बस, दैट्स इट। बहुत रिफ्रेशिंग है, सुबह इसकी खुशबू लेनी मुझे बहुत पसंद है। दैट्स इट गाइस, देखो कितनी एक फ्रेश फ्रेश फील आ गई है मेरी स्किन। तो आज के लिए इतना ही, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को प्रेस कर देना और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसी लग रही है मेरी वीडियो। बाय, टेक केयर।